प्राथमिक विद्यालय करमहिया में जहाँ पर पात्र राधिका सहित कुल 60 बच्चे पढ़ते हैं और इन सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन ना मिलने से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सारे बच्चे घर पे जाके खाना खा रहे हैं। मैं संजय कुमार और ये है मेरा समुदाय। आपका क्या नाम है? राधिका। आप किस कक्षा में पढ़ती हैं? एक। आपके स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय करमहिया। आपके गुरु जी का क्या नाम है? प्रेमलता। ये बताइए आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? 65। ये बताइए आपकी क्या समस्या है? खाना बंद। आपके स्कूल में खाना बनता है? नहीं। कब से? 7 महीना से। तो आप लोग खाना खाने के लिए कहाँ जाते हैं? घर। अच्छा ये बताइए यहाँ पे बच्चों से संबंधित सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ नल भी नहीं है, पानी भी नहीं है, हैं? खाना भी नहीं बनता है। कब से खाना नहीं बन रहा? अब जब से स्कूल हमारा नियुक्ति हुआ है तभी से। कितना महीना हो गया होगा? 7 महीने। 7 महीने से खाना बन ही नहीं रहा है? नहीं। रसोइयों की नियुक्ति यहाँ पे हुई है? हाँ हो चुका है, दो। कितनी रसोइयाँ हैं? दो। अच्छा यहाँ पे कितने नामांकित बच्चे हैं मैम? 65। 7 महीने से खाना नहीं बन रहा तो क्या इसकी जानकारी प्रशासन को है? पहले आता था मोबाइल में मैसेज आता था, फोन आता था, तो हम दबा देते खाना बनता ही नहीं। वो SMS कहाँ से आता था? लखनऊ से आता था। क्यों SMS में लिखा क्या होता था? लिखा नहीं था, बोलते थे कि आपके विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय करमैया में कितने बच्चों ने भोजन किया, हम 0 दबा देते थे। कितनी बार वो मैसेज आपके पास आया? कम से कम 15-20 दिन आया था। उसके बाद? उसके बाद बंद हो गया। खाना यहाँ बना ला? खाना वाना बना ला नहीं। आप कितना महीने से यहाँ रसोई हो? 7 महीना हो गए। अच्छा 7 महीने से आप यहाँ पे खाना नहीं बनता? नहीं बना ला। और आप लोगों का तनख्वाह? नहीं मिला ला। अच्छा आप यहाँ स्कूल में रोज आवल जाला? आई ला, खाना वाना नहीं बना ला। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि पात्र राधिका सहित कुल 65 बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन योजना का लाभ मिले। आप सभी वीडियो देखने वाले से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सभी बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी रतनपुर को फ़ोन करें व उनके ऊपर दबाव बनाएं। उनका नंबर है 87-65-87-75-91। मैं संजय कुमार जसवाल महाराज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।